चीज डाला हुआ है, अच्छा काली मिर्च, नमक और बटर डाले हुए हैं इसके अंदर मैंने। हाँ माशाल्लाह। देखो सबकी ट्रे जो है रेडी हो गई, ये देखो। ओ अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जी, जबरदस्ती दावत। ओहो, फिर हम बनाएंगे भी, खाएंगे भी। अनाउंसमेंट है आप तमाम लोगों के लिए जिसका बड़ी बेसब्री से इंतजार था। सलमा बाबा पहले एक्साइटेड हो गई है, क्या होने लगा है? उनका अवतार हमारे लिए। हो क्या बात है, फिर फाइनली जो है दावतनामा वसूल हो गया। सोद भाई ज्वेरी आप एक तरह से मेरी और सोद के लिए तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। कहते हैं कि आखिरत में भी हमसाया अच्छा होना चाहिए और दुनिया में भी होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। असद मैं सगत बिनते फातिमा और किचन में मौजूद हूँ। तीसरी माओ के लिए जो अफतारी है तैयारी वो चल रही है। फरजाना माँ के जो है इस वक्त बड़ी गहमा गहमी है, क्या जो है वो आज बन रहा है माशाल्लाह। और इस वक्त जो है बाकी भी लवाजमत यहाँ रखे जा रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त जो है ये भी मैं इनसे शेयर करूँगा। सबसे पहले जो है अस्सलाम वालेकुम, आपको तीसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको भी, आप सबको भी माओ की तरफ से तीसरा रोज़ा रहने वाले शरीर का तीसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। और बहुत ज़्यादा दुआएं जिनके दुनिया से लोग चले गए हैं उनकी मगफरत के लिए। बिल्कुल जी, ये सवाब कमा रहे हैं। बिल्कुल जी, मरहूम अलमास बेगम है। बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, बेशक 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 बिल्कुल, आमीन। जी जी हमारी भी बिल्कुल, दुनिया और आखिरत जो है सवारे। अब इस वक्त बड़ी जो है वो माशाल्लाह, एक सेकंड ये देखिएगा जरा, ये बड़ी जो है वो रौनक इस तरह जो है माशाल्लाह चल रही है। क्या क्या चीज़ें बन रही हैं ये भी मैं साथ साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले जो है इसको मैं इस रेसिपी को कंप्लीट करूंगा। अच्छा इसको आप है, ठीक है, जिसमें पहले मैंने अंडा लगाया था, बाकी भी रेसिपी में आपको बता, ठीक है, क्या है। अच्छा तो इसको जो है आपने क्रम लगा के, और ये ओहो माशाल्लाह जी इंतहाई जो है खूबसूरत जो है चिकन लॉलीपॉप जो है ये तैयार हो गए। अंडा है, ठीक है, क्रश किया हुआ बॉईल करके, ठीक है, आलू क्रश किया हुआ बॉईल करके, चीज डाला हुआ है, अच्छा, काली मिर्च, नमक और बटर डाले हुए हैं इसके अंदर मैंने। हाँ। माशाल्लाह क्या बात है जी, बड़ा ही जूसी नजर आ रहा है। हरा प्याज भी डाला हुआ मैंने। अच्छा बिल्कुल, देखिए जी इंतहाई खूबसूरत जो है ये के तो। अच्छा फिर उसको जो है आपने इसको जो है ऐसे फ्राई कर दिया है, क्या बात है जी। तो यार जी बिल्कुल जो शोर आ रहा है इसका ये, ओ क्या बात है, बिल्कुल क्रिस्पी जो है ये बन के जो है वो निकल रहे हैं। चिकन लॉलीपॉप, चीज़ है, काफ़ी कुछ है जो कि फरजाना माँ ने बताया, और इसके साथ क्या आवाज़ है जी। अच्छा और बताइएगा, अच्छा बाकी आप उनको निकाल लें, मैं यहाँ देख लेता हूँ। अच्छा ये क्या चीज़ है, ओ माशाल्लाह जी क्या बात है, चिकन रोल है। अच्छा इसमें थोड़ा सा जल्दी बताएं इसमें क्या क्या डाला आपने, जल्दी से बताइएगा। मैरिनेशन करके चिकन है, ठीक है, सलाद है, और ये हम मिक्स करके और रोल बनाएंगे। नहीं सबसे पहले आपने इसमें क्या डाला है पराठे के ऊपर? नीचे मेयोनीज और ऊपर सलाद, साथ केचप, ठीक है, जो हमने चिकन का जो बैटर बनाया था उसको मिक्स करके डाल लिया। अच्छा ये जो आपने इसके ऊपर मिक्स करके डाला, तो इसको आपने फिर अब इसको हम एक रोल बना लेंगे। क्या बात है, अच्छा ठीक है, तो इसको कट करें जरा, देखिए कैसा अंदर से कैसा है, ले लेते हैं कोई बात नहीं। हाँ ले ले ले, नाइफ ले लें। हेलो हाजरा, हेलो, ओहो रेनबो कलर, ओहो है, दिखाओ, ओहो क्या बात है। अच्छा एक सेकंड हाजरा, अच्छा ये जो है ऐसे दिखाएगा, अच्छा क्या बात है, जबरदस्त जी, ओह बिल्कुल जी बड़े खूबसूरत में ग्रीन कलर है, और ये जी यहाँ पे है माशाल्लाह तैयार हुए हैं, क्या बात है। तो फरदाना मासी पूछेंगे, मुझे बताइएगा आज जो है ये बड़ी बड़ी जो है वो ज़बरदस्ती जो है यहाँ पे आज अफतारी इन हाउस तैयार। मैंने ये भी शेयर किया था लोगों से कि आप सुबह से जो है मेहनत कर रहे थे इस अफतारी के लिए, तो मुझे बताइएगा ये आज क्या है? ये मैक्रोनी सबसे छोटे साइज की मैक्रोनी है। अच्छा अच्छा, पाइनएप्पल भी डाला हुआ है, खीरा भी डाला हुआ है। अच्छा अच्छा, और साथ में ये चिकन भी इसके अंदर है। अच्छा, और साथ में सैलेड मिक्सचर है। छिल्ले को क्या देते हैं, कॉर्न। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सादा बिल्कुल। अच्छा ये जो है ये देखिए जी हाजरा, ये क्या है, ये रेम्बो, ये क्या रेम्बो आज सारा क्या है, रेम्बो थीम है, वाह जी वाह। तो ये दिखाएं जी क्या है रेम्बो, ठीक है, स्ट्रॉबेरी का शेक है, स्ट्रॉबेरी से शेक मिल्क, अच्छा, और जेली है। क्या बात है जी, चूंकि अफतारी में टाइम थोड़ा कम होता है, वहाँ जल्दी से जो है इनके लिए रेम्बो रेम्बो जो है फातिमा के बकौल के जी आज रेम्बो के लिए साथ में जो है मैक्रोनी है, और इसमें रोल है, साथ में चिकन लॉलीपॉप बने हुए हैं वो बहुत से जूसी से, और साथ में जो है ये शवारमा जो है वो रेडी हो रहा है। तो जी ट्रे बन रही है वो भी साथ में आपसे शेयर करता हूँ साथ साथ में, माशाल्लाह जी क्या बात है। यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम हलीमा, हलीमा आज आपका फेवरेट गुलाब जामुन, इधर उधर उधर, ये देखो सबकी ट्रे जो है रेडी हो गई, ये देखो। ओ अस्सलाम वालेकुम,
माशाल्लाह जी, जी बिल्कुल क्या बात है जी। अचानक जो है सौद भाई जो है उनकी तरफ से आज स्पेशल जो है, ये देखिए जरा मैं आपको दिखाऊं। सौद भाई देखिए स्पेशल हमारी ट्रे आज तैयार है और इसमें जो है फैजाना माने स्पेशली चिकन जो है आप बताइएगा। इसका एक मिसिंग है, इसका एक मिसिंग है, वो रखा हुआ है, ये रखा हुआ जी जी, ये कह गया था पिछले साल आए थे मैंने तब भी ये बनाया था, याद है लेकिन खिलाया नहीं था आज खिलाएंगे। तो जी ये जो है पूरा हो गया ट्रे, इंशाल्लाह अभी जो हम करेंगे ना जल्दी से बताओ। वैसे तो सऊद भाई ने जो है बता ही दिया है, लेकिन अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं आप? ठीक है, खैर खैरियत से हैं? मैं थोड़ा सा सब माओं के साथ जाके भी दुआ करेंगे, अनु भाई के बारे में उनसे भी कहेंगे, ठीक है? बस एक मिनट दीजिएगा ताकि जल्दी जल्दी बताओ इसमें क्या क्या, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, चिकन पॉपकॉर्न है, आइसक्रीम और ये जो है मैक्रोनी है और इसमें जो है वनीला, ओ क्या था, स्ट्रॉबेरी नहीं, ये कौन सा रेम्बो है और ठीक है, और साथ जो है कुकुम्बर है, मैक्रोनी है, ठीक है, और ये जो है जबरदस्त, क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए। इसके साथ जो है ट्रे भी सब जो है आना शुरू हो गया है, आपको शायद पता नहीं चला कौन आया हुआ है। हाँ तो जी सऊद भाई ने जो है, असल में हमारी शूट चल रही है ना, जनरली शूट पर है तो एक अपना एक निकल सकता था, मैंने कहा मैं आज आ जाता हूँ क्योंकि आपको पता है अलवर भाई की तबीयत खराब थी पिछले दिनों, जी जी की थी, तो स्पेशली साजिए भाजी उनकी बेटी रमसा सामा और उनका बेटा सबने मिल के जो है ना ये आज से कराया था अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप लोगों ने हमें घर भी आना यार। ओहो अच्छा, फाइनली जो है दावत नामा वसूल हो गया, इंतजार था, असल मामा पहले एक्साइटेड हो गई है, क्या होने लगा, उनका अवतार हमारे लिए, हो क्या बात है जी मुबारक हो। तो आप चलेंगे, तो लोग हमसे पूछ रहे हैं कि कब होगा तो हम भी आएंगे, हमने कहा नहीं सर। ओहो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू जी। तो जी मुबारक हो आप सब लोगों को, ठीक है, तो ढेर सारी जो इस टाइम पे दुआएं भी करनी है, दावत मिल गई हमें, मुबारक हो। सतरंगी, ओ अरे माशाल्लाह अरे माशाल्लाह। तो बस आप सब लोगों ने दुआ करनी है, ठीक है, खुसूसी तौर पे सऊद भाई उनकी फैमिली के लिए स्पेशली। आप तो आप चलेंगी ना फिर दावत पे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे बताएं कैसी लगी अफ्तारी, कैसी लगी, अच्छी लग रही है, चलें ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है, मम्मी ने बनाई है तो फिर अच्छी हो। हाँ बिल्कुल अच्छी, दुआओं का मामला हो। और उस वक्त जो है सऊद भाई आके एक खुशखबरी दे दें कि जी माएँ जो हैं वो मेरी माएँ होंगी, स्पेशल उनका प्रोटोकॉल होगा, उनकी अफ्तारी होगी और वो दिन बड़ी बेसब्री से सब माओं को इंतजार करते हैं। कुछ लोगों को जो है जी एक बात मैं कहूंगा कि यहाँ पर आके जो लोग चाहते हैं कि खिदमत करें इंसानियत की और अल्लाह की राह में कुछ करना चाहते हैं तो इधर फौरन आ जाएं, क्योंकि ये जगह है जहाँ पे आपको बहुत सवाब भी मिलेगा और बहुत से फायदे होंगे और बहुत सी माओं से आप मिल सकेंगे। आप जो एक माँ है तो बहुत सारी है, आ जाए आपने जो है अनु भाई के लिए स्पेशली दुआ करनी है, ठीक है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी बेटी के भी जो है यही हमने खुशियाँ की हैं, तो आज उस बेटी ने अपने वालिद के लिए जो है स्पेशली आप सबसे रिक्वेस्ट की है कि उनके लिए दुआ कीजिएगा। अनु भाई उनके वालिद की तबीयत ठीक नहीं है, वो USA में होते हैं, ये उनकी खुशियाँ और हमारी खुशियाँ हैं, तो अल्लाह ना करे उनको कभी गम आए तो फिर वो भी साझा गम होगा, ठीक है। आफिन बाजी सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूँ कि आप लोगों ने जिस तरह से अभी तक मेंटेन रखा हुआ है, जी जी, मुझे पता है किन हालात में आपने ये काम कर रही हैं, कितनी मेहनत कर रही हैं, और ये नहीं कि रोज एक लोग जो हैं सिर्फ रमज़ान में आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, फिर पता नहीं लगता फिर रमज़ान में आते हैं, फिर कोई सैलाब आता है तो फिर आते हैं, फिर कोई जल्जला आता है तो फिर आते हैं। मैंने आपको देखा है सुबह हो शाम हो, खुशी हो गम हो, परेशानी हो, कोई बात हो, किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती है तो आप लोग होते हैं 24 घंटे अवेलेबल, और हमने तो अपनी आंखों से देखा है हमसे ज़्यादा करीब कौन देख सकता है माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह। आप लोग दिन रात इतनी खिदमत कर रहे हैं इंसानियत की और माओ की, माशाल्लाह से कि वो बदनसीब लोग हैं जो ये बात को समझ, बिल्कुल सही बात है, हर साल हम बात करते हैं लेकिन
आपको सलूट है, आपको सराज तहसीन है। और मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि लोग जो हैं वो इधर आए, देखें, अपनी आंखों से देखें। हम तो खैर देखते हैं तो हमारी तो गारंटी है, बिल्कुल बिल्कुल। और आके देखें किस तरह का माहौल है, किस तरह सफाई की रखते हैं, किस तरह से प्यार से रखते हैं, और उमरा भी कराते हैं। अगली वाली मैं खैर जवीरे ने बोला कि हम सब जी जो है वो यकीन करें, घर से बाहर निकलते हैं, तैयार होकर नए कपड़े पहनते हैं, जाएंगे इफ्तारी पे। अभी से उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है, क्या कहेंगे जल्दी से बताइएगा सौद भाई जवेरी आप ही के लिए। सबसे पहले तो मैं इनके भाई के लिए, अनु भाई के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करूँगी कि परदेश में है और बीमार है, अल्लाह पाक उनको सेहत कामला अता करे आमीन। और ये भाई आपस में सलामत रहे आमीन। और शाद आबाद रहे आमीन। तो और उसके बाद जवेरी और सौद के लिए तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, कहते हैं कि आखिरत में भी हमसाया अच्छा होना चाहिए और दुनिया में भी होना चाहिए। माशाल्लाह बहुत, और ये माएँ बहुत लकी हैं, बहुत जी किस्मत जी वाली हैं, माशाल्लाह जी, इनको हमसाए अच्छे मिले। माशाल्लाह तो पता नहीं है लेकिन हमें हमसाए बहुत अच्छे मिले। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा ख्याल है कि हमें हमसाए बहुत अच्छे मिले, ये तो वोटिंग करानी पड़ेगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो बस जी क्या दो लाइनों में कैसे शुक्रिया अदा करेंगे, मुस्कुराहटें देते हैं आके, हर वक्त रहती है, हर वक्त रहती है। इनकी गाड़ी अंदर से नहीं निकले तो मैं फिक्र करती हूँ कि गाड़ी क्यों नहीं निकली। जवेरिया कोई आवाज़ दे तो फौरन मेरे कान खड़े हो जाती है, मैं इसकी शक्ल देखती हूँ कि हाँ कितने दिन हो गए मैंने इसको देखा नहीं था। बहुत ज़्यादा प्यार इन दोनों के लिए, इन दोनों के बच्चों के लिए, अल्लाह इनकी जोरी सलामत। असद को भी मैंने देखा है, वो घर को भी देखता है, माँ को भी देखता है, काम को भी देखता है, हर चीज को देखता है। तो जी, इस वीडियो भाई असद तो भाई हिम्मत मिलती है, यकीन करें अल्लाह जानता है। अभी जैसे अचानक अंदर आए तो बड़ी हिम्मत मिलती है, तो बस इसी तरह आप भी सौद भाई की तरह हिम्मत बनिए, इन माओं की हिम्मत बनिए। देखें दो मिनट आए लेकिन कितनी दुआएं जो है अपने आप समेट ली, अपने लिए, अपने भाइयों के लिए, फैमिली के लिए। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और अपनी ज़कात इतियात में बिनते फातिमा की माओं को इनके घर को छत बचाने में हमारा साथ दीजिए। जज़ाकअल्लाह।